राधे कृष्ण दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, शरीर के संबंधी चाहे वो विषय हो, संबंधी हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मेरा प्रेम, मेरा विश्वास, मेरा संबंध इनमें से किसी से ना रह जाए, केवल सब जगह से समेट कर वो आपके श्री चरणों में जाए, एकमात्र मेरा संबंध आपके चरणारविंद से हो जाए। इसके अलावा ना किसी से हमारा प्रेम हो, ना किसी पर हमारा विश्वास हो, ना किसी से हमारा संबंध हो, प्रेम विश्वास संबंध केवल आपके श्री अंग चरणों से हो, हमारी केवल यही एकमात्र विनती है। ऐसे विनती को प्रभु आप स्वीकार्य कर लो, तथा जो साधक प्रभु के चरणारविंद से इस कोटि की विनती करता है तो वो नित्य निरंतर भजन में लीन हो जाता है, क्योंकि अब किसी और से कोई आस उसे नहीं रह गई, किसी पे उसका विश्वास नहीं, किसी पे भरोसा नहीं, किसी से संबंध नहीं, तो भजन में अपने आप निरंतरता आने लगती है। और अगर हम ध्यान से देखें तो किसी पे भरोसा रखने से, किसी अन्य शरीर से संबंध बनाने से, उस पे विश्वास रखने से, उन्हें प्रेम करने से ही भजन में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि पूरा मन किसी अन्य के शरीर पे हो तो भजन में मन लगेगा ही नहीं। तो यही कारण है कि अखंड भजन, अव्यावरत भजन, निरंतर भजन नहीं हो रहा, वही अन्य आस चाह हमारे भजन को नष्ट कर रहा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं कि सभी जगह से जो आपकी आस चाह प्रेम विश्वास भरोसा है वो वहां से उठा के प्रभु के श्री चरणों में डाल दो, और उनसे ऐसी विनती करो कि आपके अलावा किसी और से प्रेम ना हो, आपके अलावा किसी से कोई चाह आस ना रहे, आपके अलावा किसी और पे विश्वास भरोसा ना हो। ऐसे विनती कर लो, फिर इसी विनती की कृपा दृष्टि से आपका अपने आप अखंड निरंतर भजन होने लगेगा, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं। तथा जो कोई ऐसी विनती करता है उसका अनन्य भजन शुरू हो जाता है। ये वृत्ति अन्य आश्रय छोड़ने से प्रभु की कृपा से आई, ये करके देखिए, नहीं तो हम हर रोज प्रयास करते रहेंगे पर फिर भी गिर जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी भजन नहीं हो पाता, इसलिए प्रयास को अपने कोशिशों को अब छोड़ दीजिए और विनती करिए, इसी से भजन में निरंतरता आएगी। फिर केवल भगवताकार वृत्ति, चाहे आप चल रहे हो, आप व्यवहार में हो, बैठे हो, सोए हो या जग रहे हो, ऐसा होता है कि हर परिस्थिति में नाम जप। अब इसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता मित्रों, वो अनुभव में ही आने लगता है, अनुभव हो सकता है, क्योंकि ये चिदानंद परमपति परमेश्वर प्रभु द्वारा दी गई वृत्ति है। तथा किसी फल प्राप्त करने के लिए या संसार में गति प्राप्त करने के लिए जो भजन किया जाता है उसमें ये वृत्तियां जागृत नहीं हो सकती। प्रायः इसलिए कहा गया है कि भगवत प्रेमी महात्मा कोई बिरला ही होता है, कोई एक पाव भगत चित्त जो यू कहो हरिवंश रस विरलो समझन हार एक दोई जो पाई ये तो जी सब संसार। अर्थात बहुत लोग जो भजन कर रहे हैं वो खुद के आत्म सुख के लिए कर रहे हैं, कई लोग विषय सुख के लिए करते हैं, कई लोग शुभ गति कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन ये जो विनती से वृत्तियां पैदा होती है वो महान प्रेमी भागवत को ही प्राप्त होती है, जिसको किंचन मात्र कोई आशा आकांक्षा नहीं भजन से। भजन केवल भजन के लिए होना चाहिए, भजन का फल परम कल्याण, परम पद, मोक्ष पद गति, कोई ऐसी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए मन में। तो जो ऐसी विनती करता है तो वो ठीक महान प्रेमी भागवत जैसा हृदय प्राप्त कर लेता है। अपने अन्य आश्रय को त्याग के, इसलिए अन्य आश्रय त्याग के ऐसी विनती करो तो आपके भी भजन में निरंतरता शुरू हो जाएगी। करके देख लो। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।